और कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये बात 100% ठीक है। ऐसा ही मीठा फल मिला है गधों को। आखिर क्या है मंदसौर में दी गई गधों को दावत, क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अजय एमपी की ये गजब तस्वीर देखिए। कई बार कहा जाता है क्या गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। यकीन नहीं आ रहा हो तो तस्वीरें देख लीजिए। गधों की ऐसी आवभगत आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। पहले हार फूल माला से स्वागत और उसके बाद लीजिए पेश है ये खास पकवान। गुलाब जामुन की थाली तैयार है। खुशी का मौका है तो इस मौके पर ये लोग गधे को थैंक यू बोल रहे हैं। यकीनन अब तक आपका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा होगा आखिर ये क्या हो रहा है, तो सब्र रखिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मंदसौर के चंद्रपुरा के लोग जिनके चेहरे खिलखिला रहे हैं, लेकिन 7 दिन पहले तस्वीर जरा जुदा थी। चेहरे मुरझाए थे, वजह थी इलाके में बारिश का ना होना। अब इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए गांव वालों ने एक टोटका अपनाया, जिस टोटके में ये गधे गांव वालों के सारथी बने। शमशान घाट में गधों से हल जुतवा कर वहाँ पर काले मूंग और नमक की बुवाई की गई। अक्सर बारिश के लिए कई तरह के टोटके किए जाते हैं। अब 7 दिन बाद लोगों का मानना है कि इस टोटके से ही इंद्र देव खुश हुए हैं और बारिश झमाझम हो रही है। शमशान घाट में बुआई करने के बाद 7 दिन का समय था कि 7 दिन में इंद्र देवता प्रसन्न होके और मंदसौर शहर से लगा के सभी और अच्छी बारिश के संकेत दिए और इस बात पर गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। तो भला जिन गधों की मेहनत रंग लाई है उन्हें भला लोग कैसे भूल सकते हैं, तो लीजिए बारिश से चेहरे खिले और गधों की मौज हो गई। मंदसौर में नरेंद्र धनोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 और अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण के बाद अधिकारियों ने शिलापट से हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम हटा दिया, जो अल्मोड़ा में चर्चा का विषय है। अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर साल 1993 में हिमालय पुत्र हेमवंती वंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया था, लेकिन स्टेडियम को बेहतरीन और सुविधाओं से लैस करने के लिए 4 करोड़ से अधिक लागत से एक साल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने स्टेडियम का उद्घाटन किया तो शिलापट से हेमवंती बहुगुणा स्टेडियम के नाम की जगह सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया, जो इन दिनों खासा चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री जी उद्घाटन करके चली गई, लेकिन जब खेल अधिकारी से इस पर पूछा गया तो उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी ज्वाइनिंग बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसमें एक्चुअली मेरी इस जिले में नई नियुक्ति हुई है, तो इसमें ये कार्यदायी संस्था से हमने बात कर ली है, तो वो जल्द ही इस उसमें कार्रवाई करने का कष्ट करें। शिलापट से हेमवंती नंदन बहुगुणा का नाम गायब होने पर अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बड़े दुख का विषय है कि उस जो स्टेडियम का नाम था हेमवंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर था, उनका नाम हटाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जो है नया नामकरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कर दिया गया, और वहाँ पर जो सरकार की मंत्री थी, खेल मंत्री थी, और इस क्षेत्र हमारे इससे लगे हुए क्षेत्र की विधायक भी है सुमेश्वर की, और उनके द्वारा जो उसको दंडनीकार किया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिलापट पर नाम नहीं लिखा होना किसी की गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन नाम गायब होने पर कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।